गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था कि गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, गैलीलियन रूपांतरण के अंदर संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी हमारा जो वेग था वो चेंज हो रहा था, लेकिन जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत था यानी एम वन यू वन प्लस का एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये अगर अपना एस निर्देश तंत्र के अंदर सही था तो ये एस डेस निर्देश तंत्र के अंदर भी सिद्ध हो रहा था, यानी ये सिद्धांत जो है वो अपरिवर्तित रह रहा था, संवेग संरक्षण का पालन हो रहा था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो भी क्या रहता है, अपरिवर्तित होता है, यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का भी पालन होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो है वो किस तरह से अपरिवर्तित रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो हम लिखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होगा हमारा, जैसे मान लो हमने पहले उसमें क्या लिया था, दो कणों की टक्कर को लिया था, दो कणों की टक्कर में हमारा संवेग जो था यानी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों निर्देश तंत्रों में वो इक्वल आ रहा था, यानी संवेग संरक्षित था। तो उसी तरह से क्या होगा, अगर हम टक्कर का एग्जाम्पल लें, दो कोलिजन हो रही है, तो जो कोलिजन से पहले और बाद में जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है सिद्धांत गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्ती रहता है, इनवेरिएंट रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। इसे सिद्ध करने के लिए, ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए हम दो कणों की टक्कर का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है यानी लो एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसे प्रूव करने के लिए हम दो कणों की टक्कर का उदाहरण लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रथम जड़त्व निर्देश तंत्र एस में, ठीक है, पहले हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास में दो निर्देश तंत्र है, एक हमारा क्या हो जाएगा एस निर्देश तंत्र और दूसरा एस डेस निर्देश तंत्र, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या ले रहे हैं कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम दो कणों की टक्कर को देख रहे हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं अपने, उनमें जो टक्कर हो रही है वो हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, पहले एस कण के सापेक्ष, एस तंत्र के सापेक्ष, एस जो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके सापेक्ष हम ले रहे हैं दो कणों की टक्कर को, फिर हम देखेंगे एस डेस के सापेक्ष। तो एस डेस में भी अगर ये संरक्षित रहती है ऊर्जा, तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का जो हमारा सिद्धांत है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। तो पहले हम जड़त्व निर्देश तंत्र एस में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो एनर्जी लिखी है ये किससे है, पहले है उससे टक्कर से पहले की एनर्जी और ये टक्कर के बाद की एनर्जी है, इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गई अपनी, प्रथम जो अपना जड़त्व निर्देश तंत्र है उसके अंदर, ठीक है, और जो क्यू है, जहाँ क्यू अन्य रूप में परिणित ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टक्कर हो रही है उसमें अपने पास में U1 और U2 वेलोसिटी के दो पार्टिकल्स हैं, उनमें टक्कर से अपने पास में एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो ये हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू एम टू यू टू स्क्वायर, फिर हो जाएगी अपनी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, अगर किसी और फॉर्म में एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है तो उसको हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया, ठीक है।
तो यहां से जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है। यदि निर्देश तंत्र एस डैश में भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्ती हो, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्ती हो तो एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमारे एस के अंदर जो क्या है सिद्धांत फॉलो हो रहा है, ये सिद्धांत जो है वो एस तंत्र में तो सही है, लेकिन जो हमारा दूसरा जटिल निर्देश तंत्र एस बेस है, ठीक है, एक अपना जटिल निर्देश तंत्र एस है, उसके सापेक्ष जो गतिशील हमारा एस बेस तंत्र है उसमें हम क्या मान रहे हैं कि अगर इसमें भी ये सिद्धांत पालन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, इसमें भी ये जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस का हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वन बी वन डैश स्क्वायर प्लस का हाफ एम टू बी टू डैश स्क्वायर प्लस का क्यू, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होना चाहिए, अगर निर्देश तंत्र एस डैश में भी ये पालन हो रहा है तो ये क्या रहना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्वेश्चन नंबर दो दे देते हैं। अब गैलीलियन रूपांतरण से अपने पास में जो U1 डैश और U1, V1 डैश और V1 इनमें जो रिलेशन आए थे उनका मान हम रखेंगे, ठीक है। हमारे पास में क्या रिलेशन था कि U1 डैश इक्वल टू यू वन माइनस वी, ठीक है, यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी जो थी वो किसमें है, यू वन डैश क्या है, दो फ्रेम थे अपने पास में एस फ्रेम और दूसरा अपना जो फ्रेम था वो क्या था, एस डैश फ्रेम था। तो यू वन डैश क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है किसके अंदर, एस डैश फ्रेम के अंदर, ठीक है। यू वन जो है वो किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी एस फ्रेम के अंदर, और जो v है कैपिटल v वो किसका, s डैश तंत्र का वेग है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में तीन चीजें हैं, u1 डैश s डैश के अंदर, u1 जो s के अंदर, और जो कैपिटल v है वो क्या है, इस तंत्र का खुद का वेग है। तो यहाँ से अपने पास में ये रिलेशन था गैलीलियन रूपांतरण से, तो ये वैल्यू अपन रख देते हैं, गैलीलियन रूपांतरण से U1, U2, V1, V2 के मान रखने पर, मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पर देखो अपने पास में जो इक्वेशन नंबर टू है वो तो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन वन के अंदर हम मान रखेंगे और इक्वेशन टू को हमें प्रूव करना है, ये हमें लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान हम समीकरण एक में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू वन इक्वल टू यू वन डैश प्लस वी और यू टू इक्वल टू यू टू डैश प्लस वी, इसी तरीके से क्या है, वी वन इक्वल टू वी वन डैश प्लस वी और वी टू इक्वल टू वी टू डैश वो वी टू डैश प्लस वी, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला होता था वो क्या था, वी वन डैश इक्वल टू वी वन माइनस वी था, तो वी वन को अगर हम इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, वी वन डैश प्लस वी, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, इन्हें हम इक्वेशन वन के अंदर रख देते हैं, तो इक्वेशन वन के अंदर मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर, तो यू वन हमारा वेक्टर है, इसे हम ले लेते हैं यू वन डैश प्लस वी, सारे वेक्टर्स हैं ना,
ये मोड का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू डैश प्लस वी ये मोड का स्क्वायर मोडलेस है ना इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर तो हाफ एम वन वी वन की जगह आ जाएगा वी वन डैश प्लस वी ये मोड का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। ठीक है तो यहाँ से अपने पास में ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो अपने पास में मॉडुलस है मोड का स्क्वायर है तो ये क्या है दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स के मोड का स्क्वायर अपने को क्या करना है यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है तो हम लिख देंगे किसी सदिश ए या फिर सदिशों ए तथा बी के लिए सदिशों ए तथा बी के लिए मोड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है तो यहाँ पे क्या है अपने पास में दो सदिश हैं इन सदिशों के मोड का स्क्वायर है ये अपने को ओपन करना है। ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है तो यहां से अपने पास में ये वैल्यू आ गई। तो अब यहां पर भी अपने पास दो दो सदिश हैं यू वन डैश बी यू टू डैश बी वी वन डैश बी और वी टू डैश बी यहां पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण तीन। तो हम लिख देंगे समीकरण तीन से समीकरण तीन से अपने पास इक्वेशन क्या जाएगी हाफ एम वन ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यू वन डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी कैपिटल है ये क्योंकि निर्देश तंत्र वाला वेग है। ठीक है तो यहाँ पर अपने पास में जो ये वाला बी है वो निर्देश तंत्र का वेग है इसे हम कैपिटल बी ले रहे हैं तो यू वन डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू यू वन डैश डॉट डॉट बी फिर प्लस हाफ एम टू स्क्वायर हाफ एम टू ये हो जाएगा यू टू डैश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एम टू यू टू डैश डॉट बी तो ये हो जाएगा टू यू टू डैश डॉट वी ये दोनों वेक्टर्स फॉर्म में आएंगे प्लस इक्वल हाफ अब इसको ओपन कर लेंगे हाफ एम वन ये हो जाएगा हमारा वी वन डैश स्क्वायर वी वन डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का टू वी वन डैश डॉट वी प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का टू वी टू डैश डॉट बी। ठीक है और ये हमारा प्लस क्यू इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया अपने पास में हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वन वी स्क्वायर प्लस एम वन यू वन डॉट वी क्योंकि यहाँ पे टू है तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम हाफ एम वन इसको इसमें ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से ये हो गया हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर प्लस का हाफ एम टू वी स्क्वायर प्लस का यू टू डैश
रस का m2 u2 dot v और इक्वल टू हाफ m1 v1 square प्लस का हाफ m1 v square प्लस का m1 v1 dot v प्लस हाफ m2 v2 square प्लस हाफ m2 v square प्लस m2 v2 dot v प्लस q। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यूज आ गई, इनको और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। हाफ m1 u1 square हाफ m1 v square m1 u1 dot v। ठीक है, तो पहले हम इसको साथ रख लेते हैं। हाफ m1 u1 square प्लस का हाफ m2 u2 square। फिर अब देखो यहां पर अपने पास में क्या है, m1 u1 dot v, और इधर भी अपने पास में क्या हो जाएगा, ये m1 u1 dot v है और यहाँ पर क्या के पास में m1 v1 dot v है, v1 dash dot v है। तो इसे हम क्या करते हैं, v को बाहर रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं साथ में m1 u1 को, या फिर ये वाले पे हम half m1 v square और यहाँ पर भी half m1 v square, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, half m1 v square और half m1 v square। इसी तरह से half m2 v square और ये हाफ m2 v square, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो अपनी वैल्यूज बची हैं वो क्या हो जाएंगी, m1 u1, ठीक है, और डॉट v है, और यहाँ पर अपने पास में m2 u2 dot v है, तो ये हो जाएगा m2 u2 dot v। फिर अपने पास में इक्वल हाफ m1 v1 dash square हाफ m2 v2 dash square। ठीक है, और ये कैंसिल हो ही गया था, और इसे हम लिख लेते हैं m1 v1 dash प्लस m2 v2 dash और प्लस का आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो अब जो अपनी वैल्यूज हैं m1 u1 प्लस m2 u2, तो हम लिख सकते हैं कि गैलीलियन के या फिर सापेक्ष संरक्षण सिद्धांत, गैलीलियन के सापेक्ष संरक्षण निश्चरता, सापेक्ष संरक्षण का जो सिद्धांत था वो क्या रह रहा था, निश्चय रह रहा था, निश्चरता से क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 dash m2 v2 dash। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था कि अपने पास में जो m1 u1 और m1 v1 dash प्लस m2 v2 dash है, वो क्या रहेंगे, यहाँ पे डैश आएगा सब जगह। ठीक है, जहाँ पर भी डैश नहीं है वो डैश लगा लेना, डैश आएगा सब जगह। ठीक है, क्योंकि अपन ने डैश वाले में चेंज कर लिया था u1 u2 इन सबको, तो m1 u1 dash प्लस m2 u2 dash इक्वल टू m1 v1 dash m2 v2 dash। तो हमने क्या किया था कि हमारे जो एस देश विदेश तंत्र है, एस तंत्र में अपन संवेग संरक्षण को क्या लेके चले थे, अपरिवर्ती लेके चले थे कि संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। फिर हमने प्रूव किया था कि जो हमारा एस देश तंत्र है, जो एस देश फ्रेम है, उसके अंदर भी क्या रहेगा, वो अपरिवर्ती रहेगा। ठीक है, ये नियम जो है वो अपरिवर्ती रहेगा, तो एस देश के अंदर भी हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 dash प्लस m2 u2 dash इक्वल टू m1 v1 dash प्लस m2 v2 dash।
करते हैं समीकरण पांच में मान रखने पर क्या हो जाएगा, हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस का हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर, ये हमारा इक्वल हो जाएगा हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर। ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस का हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर प्लस का क्यू। तो ये जो इक्वेशन आई अपनी वो क्या आ गई, हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर, यानी जो हमारी एस डैश तंत्र है उसके अंदर भी जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन का पालन हो रहा है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि अतः जहाँ पर ये जो हमारा स्टेटर से पहले की ऊर्जा है एस डैश निर्देश तंत्र में और ये टक्कर के बाद की ऊर्जा है एस डैश निर्देश तंत्र में, ठीक है। तो अतः समीकरण छह से सिद्ध होता है कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश उसमें भी क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण का पालन हो रहा है। सिद्ध होता है कि निर्देश तंत्र एस डैश में भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता, निश्चल है या इनवेरिएंट है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। इसे जिस तरह से हमने संवेग के लिए लिखा था कि उसे संवेग निश्चलता कहते हैं, इसी तरह से हम इसे क्या कह देंगे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के लिए जो गैलीलियन है वो गैलीलियन रूपांतरण के लिए निश्चल है, ये वो चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। इसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के लिए गैलीलियन निश्चलता कहते हैं, ठीक है, यानी ये जो सिद्धांत है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, ये एस फ्रेम में भी फॉलो हो रहा था और हमारा जो एस डैश फ्रेम है उसमें भी क्या रहेगा, फॉलो होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम एनर्जी कंजर्वेशन को देख सकते हैं कि जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है वो फॉलो होता है। तो यहाँ पर अपन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमें कुछ रिजल्ट मिले थे कि जो हमारी स्थिति है वो r माइनस vt हो जाती है, ठीक है, वेग जो है वो v डैश इक्वल टू v माइनस v हमें मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो स्थिति है वेग चेंज हो रहा था, त्वरण निश्चय रह रहा था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो निश्चय रहता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है वो निश्चय रहता है, और दूसरा यहाँ पे क्या था कि जो हमारे न्यूटन के नियम हैं, न्यूटन के नियम क्या रहते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्रों में गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार, या फिर हम कहें कि जड़त्व जो निर्देश तंत्र होते हैं न्यूटन के जो नियम हैं वो क्या रहते हैं, निश्चय रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूटन का पहला नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, न्यूटन के हमारे फर्स्ट जो नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, तो यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि वो गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी हमारा अगर बाह्य बल जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह पर स्थिर है या फिर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसी पोजिशन को बनाए रखेगा, उसे हम लो इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को बनाए रखता है जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है।
तो यदि हमारा f इक्वल टू जीरो है तो a इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि f इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है, f इक्वल टू ma होता है। तो f इक्वल टू ma से a भी जीरो हो गया, a जीरो का मतलब है b नियत हो गया। तो हम देख रहे थे कि जो हमारी फ्रेम थी s फ्रेम, ठीक है, और अगर उसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील जो फ्रेम थी उसमें भी क्या रह रहा था, इसमें त्वरण जीरो था, तो उसमें भी क्या होगा, अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। यानी जो हमारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं उन निर्देश तंत्रों के अंदर क्या रहता है कि यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, जब हमने डेफिनेशन लिखी थी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की, तो वहां पे क्या था कि कोई भी फ्रेम जो है वो इनर्शियल फ्रेम कब कहलाते हैं, जब उनके अंदर यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो त्वरण का मान जीरो रहे या फिर बी जो है वो नियत रहे। तो ये एस फ्रेम में भी प्रूव हो रहा था और इसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील फ्रेम में भी हम प्रूव कर सकते थे। यानी ए और ए डैश के मान समान आ रहे थे हमारे, ठीक है, और अगर बल जीरो है तो यहाँ से ये जीरो हो रहे थे। तो इस तरह से न्यूटन के जो नियम है, इसी तरह से हमारा न्यूटन का जो सेकेंड नियम है वो क्या होता है कि जो संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या होगी, लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होगी और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में हम बल को लगा रहे हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी रहेगा, तो यहाँ से अपने पास है। और इसी तरह से हमारा जो थर्ड लॉ है न्यूटन का वो क्या होता है कि एफ वन टू इक्वल टू एफ टू वन होता है, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन यानी जो फोर्स का जो मोड है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल इसे कहते हैं। यानी अगर कोई भी वस्तु किसी पर कोई फोर्स लगा रही है तो उतना ही उससे क्या होगा, प्रतिक्रिया बल मिलेगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो सिद्ध रहता है। और यह हम निर्देश तंत्रों के अंदर देख सकते हैं कि जो फोर्स है, अगर यहाँ पे अपने पास में एफ इक्वल टू एम ए निकाल रहे थे तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा था, ए और ए डैश समान आ रहे थे। तो यहाँ से अपने जो न्यूटन के नियम हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में या फिर गैलीलियन रूपांतरण वाले हैं इनमें क्या होंगे, वैध रहेंगे, हमेशा इनका पालन होगा। एक अपनी है न्यूटनी आपेक्षिकता, इसे हम न्यूटोनियन रिलेटिविटी कहते हैं, न्यूटोनियन रिलेटिविटी। यहाँ से क्या होगा कि जब भी हम किसी की वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, किसी निर्देश तंत्र के अंदर हम वेलोसिटी को देखते हैं, तो हमारे पास में जो वेग आता है वो हमेशा क्या होगा, सापेक्ष वेग होगा, ठीक है। यानी किसी भी निर्देश तंत्र का हम ये नहीं कह सकते कि उसका निरपेक्ष वेग यानी उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, हमेशा उसका वेग वैसा ही रहे, ऐसा हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो वेग हमारा आ रहा था वो क्या था, किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष हमको देखना पड़ रहा था। जैसे मान लो हमने पार्टिकल की वेलोसिटी भी लिखी तो वो क्या थी, v इक्वल टू v डैश इक्वल टू v माइनस vi थी, ठीक है। यानी जब भी हम वेग निकालते हैं तो वेग क्या होगा, किस निर्देश तंत्र में हम निकाल रहे हैं उसके सापेक्ष हम देखते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी चीज की वेलोसिटी जितनी है उतनी ही हमेशा रहेगी, वो निरपेक्ष मान हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर भी हमने पढ़ा था, जब हमने शुरुआत की थी इसकी, कि हमारे पास में जब निर्देश तंत्रों के बारे में हमने स्टार्ट किया था तो क्या था कि जब भी हम किसी चीज़ की वेलोसिटी या उसकी पोजीशन को देखते हैं तो किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं वो चेंज होती है, ठीक है। यानी हमारी जो हम बात कर रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर स्थित जो पेड़ पौधे हैं वो हमें स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन सन के सापेक्ष में या बाहर से हमें अदर प्लेनेट के सापेक्ष में ये स्थिर नहीं है, क्योंकि अर्थ के सापेक्ष ये घूम रहे हैं, अर्थ के साथ में ये भी घूम रहे हैं। तो किसके सापेक्ष में हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो हमेशा जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगा, सापेक्ष रहेगा, निरपेक्ष वेग हम नहीं निकाल सकते, निरपेक्ष वेग को हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसे हम न्यूटोनियन रिलेटिविटी या न्यूटनी आपेक्षिकता कहते हैं, ठीक है। एंड जब भी हम निर्देश तंत्रों का वेग याद कर रहे होंगे वो क्या होगा, एक दूसरे से तुलना करके एक दूसरे के सापेक्ष ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में रिजल्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो अपने पास में सबसे पहले हमने निर्देश
निर्देश तंत्र लेके चलेंगे। निर्देश तंत्र जो होते हैं हमारे किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए आवश्यक होते हैं, यानी उनके सापेक्ष हम उसे बता सकते हैं। फिर उसी उन्हीं के सापेक्ष हम उसकी वेग को बताते हैं। फिर हम एक तंत्र से दूसरे तंत्र में रूपांतरण कैसे होते हैं वो सब हमने देखा था, और गैलीलियन रूपांतरण हमने पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी निर्देश तंत्र में हमें पता हो तो दूसरे निर्देश तंत्र में हम क्या निकाल सकते हैं। एक निर्देश तंत्र के अंदर अगर पोजीशन पता हो तो हम दूसरे निर्देश तंत्र के अंदर पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन है कि हमें वैल्यू दी हुई है कि आर वेक्टर इक्वल टू आई के 60 माइनस 3t स्क्वायर प्लस जे के 60 स्क्वायर माइनस 3t प्लस जे के माइनस का 5t स्क्वायर प्लस का 7k के। ठीक है, और हमें आर डैश दिया हुआ है प्लस का जे के माइनस का 5 जे के टी क्यूब प्लस का 7 के के। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास में एक निर्देश तंत्र है एस निर्देश तंत्र। ठीक है, तो एस निर्देश तंत्र में जो पोजीशन दी गई है पार्टिकल की वो कितनी दी गई है, आर वेक्टर इक्वल टू आई के 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस जे के माइनस का 5t क्यूब प्लस 7k के। ठीक है, वो हमें दी गई है एस निर्देश तंत्र के अंदर पोजीशन पार्टिकल की, और हमें एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर क्या दे रखा है पार्टिकल की पोजीशन, आर डैश इक्वल टू आई के 6t स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 5j के टी क्यूब प्लस 7k के। ये हमें दे रखी है आर डैश निर्देश तंत्र के अंदर पोजीशन दे रखी है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एस डैश निर्देश तंत्र वेग एस के सापेक्ष। ठीक है, तो किसी भी निर्देश तंत्र की किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होगी, सापेक्ष ही होगी। हम निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट मान नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम सापेक्ष निकाल रहे हैं एस डैश निर्देश तंत्र का एस के सापेक्ष। तो हमें दोनों पोजिशन दी हुई है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता था, सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास फॉर्मूला होता था आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। आर डैश का हमारा मान क्या है, आई के 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस जे के माइनस का 5t क्यूब प्लस 7k के इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई के 6t स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 5j के टी क्यूब प्लस का 7k के प्लस का वी वेक्टर। ठीक है, प्लस का नहीं माइनस का वी टी। तो यहां से अपने पास में हम क्या निकाल रहे थे, सापेक्ष वेग निकाल रहे हैं एस निर्देश तंत्र का एस के सापेक्ष। तो ये मान अपना हो जाएगा वी टी इक्वल टू, या फिर यहां से हम लिख सकते हैं कि जो वी टी इक्वल टू होता है वो क्या होता है, आर माइनस आर एस। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी अपनी वी टी इक्वल टू, यहाँ इस पर से लिख लो आर माइनस आर डैश इक्वल टू वी टी। ठीक है, यहां से मैंने क्या कर दिया, आर माइनस आर डैश इक्वल टू वी टी, ये हमने लिख दिया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, सारे अपने पास में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस वाले हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या है माइनस का 3t, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 3t, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है।
तो ये हो जाएगा माइनस का 16 आई के इक्वल टू वीटी या फिर v इक्वल टू माइनस का 6 आई के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमें क्या दे रखा था, एक निर्देश तंत्र के अंदर पोजीशन दे रखी थी और यहाँ पर हमें एस डेस निर्देश तंत्र के अंदर पोजीशन दे रखी थी। हम क्या कर सकते हैं, इस एस डेस निर्देश तंत्र का वेग निकाल सकते हैं एस के सापेक्ष में। तो यहाँ से अपन इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी का मान हमारे पास में आ गया माइनस का 6 आई के। दूसरा हम चेक कर सकते हैं कि त्वरण का मान क्या होगा दोनों में। ठीक है, दोनों में पोजीशन दे रखी है, आर और आर डेस दे रखी है। अगर हमें त्वरण पूछा होता तो क्या हो जाएगा, डी टू आर बाई डी टी और डी टू आर डेस बाय डी टी टू। हमें चेक कर सकते हैं कि ए और ए डेस का मान समान आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना कि ए और ए डेस का मान क्या आएगा और समान आता है या नहीं आता। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, किसी भी निर्देश तंत्र के अंदर वेग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं।